हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल, नाम क्या है फ्यूल का? स्टॉर्म एक्स। स्टॉर्म एक्स क्या है? हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल है, राइट। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब इन एसोसिएशन विथ। अब एक हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? स्टॉर्म एक्स। नाम याद रखना है, स्टॉर्म एक्स क्या है? हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल है। किसने लॉन्च करा है इसको? लॉन्च किया है मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने। किसके साथ मिलकर किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। नाम क्या है फ्यूल का? स्टॉर्म एक्स, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम विद इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन? मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एक म्यूजियम बनाया गया है, जो कि इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम बन गया है जो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर बनाया गया है। तो इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो ये बना है चंडीगढ़ में। कहाँ पे बना है? इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम विद इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कहाँ पे है? पीजीआई के अंदर है, जो चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई है, तो पीजीआई में ये पहला म्यूजियम ये बना है। नाम क्या है? PGIMER है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। PGIMER में ये जो है म्यूजियम सेटअप किया गया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस? एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस इसका सेकेंड एडिशन है। तो ये जो सेकेंड एडिशन है इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? सेकेंड एडिशन है तो फर्स्ट एडिशन किसने होस्ट किया था? फर्स्ट एडिशन हुआ था बीजिंग में। कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। बीजिंग चाइना में हुआ था फर्स्ट एडिशन की जो इसकी हुई थी मीटिंग। और जो सेकेंड एडिशन है एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस का, वो हो रहा है इंडिया के अंदर। कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है सेकंड एडिशन इसका। तो इसके 39 मेंबर स्टेट्स इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी नहीं होगा, ये कब होगा ये कॉन्फ्रेंस? ये होगी सितंबर के अंदर, सितंबर 11 एंड 12 को ये कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जाएगी, और ये सेकंड एडिशन की कॉन्फ्रेंस है, राइट। नेक्स्ट डे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी? एचएसबीसी के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? एचएसबीसी क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशंस। तो इनके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? नाम है जॉर्ज एलहेड्रे। नाम है जॉर्ज एलहेड्रे। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? इन्होंने रिप्लेस किया है नील क्विन को। किसको रिप्लेस किया है? नील क्विन को रिप्लेस किया है। नाम क्या है? जॉर्ज एलहेड्रे, राइट। नेक्स्ट है, कतारगामा इसाला फेस्टिवल। नाम क्या है? कतारगामा इसाला फेस्टिवल का नाम है कतारगामा इसाला फेस्टिवल। ये कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है श्रीलंका के अंदर। कौन सी कंट्री का ये फेस्टिवल है कतारगामा इसाला? श्रीलंका का है। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो उनको ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है। वैसे ये हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसमें भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और मुस्लिम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं कतारगामा इसाला फेस्टिवल को, राइट। नेक्स्ट डे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी? एशियन पैरालंपिक कमेटी ने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको अपॉइंट किया है, सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव। किसके लिए है? साउथ एशिया रीजन के लिए है। साउथ एशिया रीजन के लिए एक रीजनल सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी, राइट। तो किसको इन्होंने अपॉइंट किया है? इन्होंने अपॉइंट किया है इंडिया की दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है ये पैरालंपिक्स में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल भी लेकर आई थी 2016 के अंदर, राइट।
नेक्स्ट है आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री. आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है, वो ऑलरेडी हो चुकी है, जुलाई में थी, 19th ऑफ जुलाई से लेकर 22nd ऑफ जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी. 19 से 22nd ऑफ जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी. कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, तो इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने. राइट, किसने होस्ट किया था, श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था. 19 से लेकर 22nd ऑफ जुलाई तक ये चली थी. और इसका थीम क्या था, इसका थीम था कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी. इसका थीम था. नेक्स्ट है व्हाट इज मॉइस्चर मीटर. मॉइस्चर मीटर क्या है, मॉइस्चर मीटर जो है ये एक डिवाइस है जिसपे अभी जो है अभी आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ. ये डिवाइस है जिसपे अभी है जो कि बातचीत चल रही है कि हम फ्यूचर में एक मॉइस्चर मीटर लेकर आएंगे. मॉइस्चर मीटर किसके लिए है, मॉइस्चर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सीरियल ग्रेन्स के मॉइस्चर को मेजर करेगा. किसको मेजर करेगा, सीरियल ग्रेन्स के मॉइस्चर को मेजर करेगा. डिवाइस टू मेजर मॉइस्चर ऑफ सीरियल ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स के मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं मॉइस्चर मीटर. राइट, नाम क्या है, मॉइस्चर मीटर. अब इससे क्या होगा, अब जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, तो अगर हमें इनके मॉइस्चर के बारे में पता चल जाएगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है मॉइस्चर मीटर के थ्रू, तो उससे क्या है, उससे इसकी जो स्टोरेज वगैरह होगी वो और ज़्यादा इजी हो जाएगी और जो हमारे सीरियल ग्रेन्स खराब होते हैं वो भी जो है कम हो जाएंगे. राइट, नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय आर प्रेसिडेंट. डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए हैं, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स किसने दिए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने दिए हैं. तो कितने अवार्ड्स दिए गए हैं, टोटल 94 अवार्ड्स दिए गए हैं. डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स टोटल कितने हैं, 94 में से 31 है परम विशिष्ट सेवा मंडल, 4 है उत्तम युद्ध सेवा मंडल, 2 है बार 2 अति विशिष्ट सेवा मंडल और 57 है अति विशिष्ट सेवा मंडल. राइट, टोटल कितने हैं, टोटल है 94 टोटल याद रखने हैं, और बाकी जो है 31 परम विशिष्ट सेवा मंडल है, 4 उत्तम युद्ध सेवा मंडल है, 2 है बार 2 अति विशिष्ट सेवा मंडल और 57 अति विशिष्ट सेवा मंडल. तो ये भी हमें याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि परम विशिष्ट सेवा मंडल कितने दिए गए हैं या अति विशिष्ट सेवा मंडल कितने दिए गए हैं, तो इनको भी याद रखना है और टोटल कितने हैं ये भी याद रखने हैं. नेक्स्ट है कमला पुजारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. कमला पुजारी रिसेंटली इनका देहांत हो चुका है, तो कौन से फील्ड से ये रिलेटेड थी, ये ऑर्गेनिक फार्मर से. राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड से ये रिलेटेड थी कमला पुजारी. तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जिसके लिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था. कमला पुजारी एक ट्राइबल वुमेन थी. कौन थी ये, एक ट्राइबल वेमन थी ओडिशा से. कहाँ से थी, ओडिशा से. नाम, ये स्टेट का नाम याद रखना है कि कौन सी स्टेट से थी ये कमला पुजारी. ओडिशा से थी, ओडिशा की एक ट्राइबल वुमेन थी. इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में. कहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में दिया है. और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनस वराइटीज जो होती है पैडी की, जिसको राइस बोलते हैं, तो 100 से भी ज़्यादा इंडिजिनस वराइटीज़ को इन्होंने प्रिजर्व किया है. इसीलिए इनको 2019 के अंदर पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था. इसके अलावा 1994 में ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो है कोरापुट में, उसमें इन्होंने ये लीडर रही है. पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोग्राम में ये लीडर भी रह चुकी है. और इसमें इन्होंने जो उस टाइम पे हाई यील्डिंग वराइटीज़ आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसके बाद हाई यील्डिंग वराइटीज़ जो थी राइस और वीट की आनी शुरू हो गई थी. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो काला जीरा क्या है, ये एक राइस की ही वैरायटी है. राइट, तो इसकी ब्रीडिंग शुरू करी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी लाकर, हाई क्वालिटी की ये राइस की वैरायटी है, तो इसकी ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ला रहे थे. तो काला जीरा की जो इंडिजिनस वैरायटी थी उसको इन्होंने प्रिजर्व किया था. काला जीरा क्या है, राइस की वैरायटी है, याद रखना है. काला जीरा जीरा की वैरायटी नहीं है, ये राइस की एक किस्म है, राइस की ही ये एक वैरायटी है.
तो इसको इन्होंने प्रिजर्व किया। इसके अलावा राइस की और बहुत ज़्यादा रेयर वराइटीज है, जैसे तिल्ली हो गया, मचकांता हो गया, घनाटिया, फूला, ये जो रेयर वराइटीज़ है पैडी की या राइस की, इनको भी इन्होंने प्रिजर्व किया है, राइट। तो इसीलिए इनके एफर्ट्स की वजह से जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कोरापुट को डिक्लेयर किया था ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 2012 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस। इंडिया के यूएस में अगले अम्बेसडर कौन बनने जा रहे हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। ये पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो अब ये बनेंगे यूएस के अगले अम्बेसडर इंडिया की तरफ से। अब इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे तरनजीत सिंह संधू। बहुत टाइम से इन्होंने रिज़ाइन दे रखा है, ये पोस्ट जो थी वो खाली पड़ी थी, इंडिया का कोई भी एम्बेसडर यूएस में नहीं था, तो फाइनली अब अपॉइंट होकर जा रहे हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता के अंदर। कहाँ पे? कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, मतलब कि जो लैंडस्लाइड्स होएंगी उनके बारे में भी अब फोरकास्टिंग करी जाएगी कि कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने वाली है, उसकी भी यहाँ पे फोरकास्टिंग होगी। तो उसी के लिए ये सेंटर जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। अभी तो कोलकाता में इसको इनॉग्रेट किया है, धीरे धीरे ये बाकी पार्ट्स में भी इसकी इनॉग्रेशन शुरू हो जाएगी। और इसको इनॉग्रेट किसने करा है? हमारे कोल्स एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करी है कोलकाता के अंदर। इसके साथ ही एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है। वेब पोर्टल कौन सा है? भू संकेत। और मोबाइल ऐप कौन सी है? भूस्खलन मोबाइल ऐप। तो ये दो ऐप्स लॉन्च करी है सो दैट की जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उनको कम किया जा सके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है, राइट। नेक्स्ट है हार 14। हार 14 ये एक फेस्टिवल है जो कि कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट एरिया में। तो ये जो फेस्टिवल है ये कौन सी माता से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गॉडेस माता ज्वाला जी। कौन सी माता से रिलेटेड है? ज्वाला जी से, राइट। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम ये जो स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ये जो स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे कितने तक के? अप टू 50,000। 50,000 तक के कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको। कोलेट्रल फ्री लोन्स कौन से होते हैं? कि ऐसे लोन जिनके लिए कोई भी हमें एसेट वगैरह गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 50,000 तक के ऐसे लोन्स इन स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे अपना काम शुरू करने के लिए। ये कोविड-19 के बाद ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो थी वो आई थी। और इस स्कीम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है। ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, राइट। कब शुरू करी गई थी? जून 2020 के अंदर शुरू करी गई थी, जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए आफ्टर कोविड-19। तो अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो हमने देख ली है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है महाराष्ट्र। बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है? अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है बेस्ट परफॉर्मिंग? तो इसमें आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली आता है बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी के अंदर, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है ये?
अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट में एक एरर आया था जिसके चलते हुए जो विंडो पीसी थे या विंडो लैपटॉप पीसी जो भी थे तो उनमें एक ब्लू स्क्रीन आ जाती थी, चलते चलते एकदम से बंद हो जाते थे, ब्लू स्क्रीन आ जाती थी जिसको बोलते थे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये क्या थी? ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर थी। जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर आने की वजह से ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो थी आ रही थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, अ क्रिटिकल एरर स्क्रीन डिस्प्लेड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एरर आ रही थी जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन दिख रही थी हमें। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई है? ये री इलेक्ट हुई है, प्रेसिडेंट इलेक्ट तो नहीं बोलेंगे, री इलेक्ट, पहले भी यही थी, अब दोबारा फिर से इन्हीं को ही री इलेक्ट किया गया है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। तो नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन, उर्सुला वॉन डर लेयन इनका नाम है जो कि बनी है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।